16 सोमवार रक्त कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की एक अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोला, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुए। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोड़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप वश पुजारी के शरीर में कोड़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ षोडश सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा शेर गेहूं का आटा ले, उसके तीन अंग बनावे और घी गुड़ दीप नैवेद्य फल बेल पत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात उन तीन भाग में से एक भाग शिवजी को अर्पण करें और बाकी दो को शिवजी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार तक व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। पीछे आप सहकुटुंब प्रसादी ले तो भगवान शिव जी की कृपा से आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा कार्तिकेय जी को सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जय माला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से उसकी कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा।
एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने प्रिय मित्र कार्तिकी जी के कथना अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और उसका लालन पालन पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता पिता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान करके उसको अपने द्वारा किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से कर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रा गृह में आकर उसने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तुम अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। राजसभा मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद त्राण फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देख बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारे बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर कर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई, वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ का जल से स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ा में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पी करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपनी गुसाई जी से उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी से कहा थे कहीं। गुसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते और जो जल भर के लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हुए रानी से बोले कि हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन सी देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की कथा सुनाई तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि देवी, तुम सब मनोरथ के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गुसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि
रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहां कहां भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को देखते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी जी आपके आश्रम में रहती हैं, वह मेरी पत्नी हैं। शिव जी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था, अब इस पर से शिव का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे तथा नगर को तोरण बंधनवारों से विविध विविध रूपों से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्र का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को दानादि देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य दिया, नगरी में स्थान स्थान पर सदागत खुलवाए, जहाँ भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते समय सोमवार का व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति से 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इति 16 सोमवार व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय हो।